दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक चर्चित खलनायक के कैरेक्टर के बारे में, जिन्होंने बहुत सी हिट फिल्में दी हैं। मुझे उम्मीद है आपने इन्हें किसी न किसी मूवी में खलनायक का किरदार निभाते जरूर देखा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन बॉलीवुड एक्टर कबीर बेदी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज अनिकेत, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द विकी बाबा पे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि कबीर बेदी एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं, जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट और इटली में भी सक्रिय हैं। कबीर को हिंदी सिनेमा में विलन की भूमिका के लिए प्रमुख तौर पर जाना जाता है। वह अब तक कई फिल्मों में विलन की भूमिका निभा चुके हैं, जिनमें खून भरी मांग, मोहनजोदारो, साहेब बीबी गैंगस्टर प्रमुख फिल्में हैं। कबीर बेदी का जन्म 16 जनवरी 1946 को एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता बाबा प्यारे लाल सिंह बेदी एक पंजाबी सिख लेखक और दार्शनिक थे। उनकी मां फ्रेडा बेदी एक ब्रिटिश महिला थी, जो इंग्लैंड में डर्बी में पैदा हुई थी। कबीर बेदी ने शेरवुड कॉलेज नैनीताल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और अपने उच्च अध्ययन के लिए उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। दोस्तों अब हम कबीर बेदी के शादीशुदा जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। बता दें कि कबीर बेदी ने 4 शादियां की हैं, जिनसे उन्हें 3 बच्चे हैं, पूजा, सिद्धार्थ और एडम। कबीर की पहली शादी प्रतिमा बेदी से हुई थी, जो कि एक ओडिसी डांसर थी। कबीर प्रतिमा की बेटी पूजा बेदी है, जो कि एक कॉलमनिस्ट हैं। उनके दूसरे बेटे सिद्धार्थ, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्नेगी मेलॉन विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने गए थे, जहां उन्हें स्किजोफ्रेनिया बीमारी हो गई और उन्होंने फिर आत्महत्या कर लिया। प्रतिमा से शादी के बाद कबीर बेदी और फिल्म एक्ट्रेस परवीन बॉबी के लव अफेयर्स की अफवाहें ने खूब सुर्खियां बटोरी। वर्ष 1990 में कबीर ने निक्की बेदी से शादी रचाई, जो कि एक टीवी रेडियो प्रेजेंटर थी। दोनों का तलाक वर्ष 2005 में हो गया। इसके बाद कबीर परवीन दोसांझ को डेट करने लगे और उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर परवीन से शादी रचाई। आइए दोस्तों, अब मैं आपको कबीर बेदी के करियर के बारे में बताता हूँ। दोस्तों कबीर बेदी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत थिएटर एक्टर के तौर पर की थी और फिर बाद में हिंदी फिल्मों में चले गए थे। बेदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों में से एक हैं, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में शुरुआत की, हॉलीवुड की फिल्मों में काम किया और यूरोप में एक बेहतरीन स्टार के रूप में उभरे। उनके कुछ सुपरहिट फिल्मों में से हलचल, सजा, कच्चे धागे, अशांति, खून भरी मांग, मेरा शिकार, आखिरी कसम, कुर्बान, मोहनजोदारो आदि काफी प्रसिद्ध फिल्में हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में कोई और खास पर्सनैलिटी के जीवन परिचय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।